अब मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे घर पे पूजा होती है तो बहुत सारे यजमानों को पूजा के नियम नहीं पता है। मैं जब देखता हूँ बहुत सारे लोग घर पे पूजा होती है तो नाइट पेंट में बैठ जाते हैं, पूजन की सामग्री मंगवाते हैं तो जो भी गंदी सामग्री है वो चूरी के चावल जैसे जो भी मिल गए हो वो लगा देते हैं। तो आप थोड़ा सा पूजा की विधि को बताएं कि पूजा किस तरह से करना चाहिए, उसका नियम क्या है और नित्य नियमक नियम पूजन के क्या होते हैं जिससे व्यक्ति भगवान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लगाव बना पाए। पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सवाल है भैया का। सबसे पहले हमें भगवान को कोई सुंदर सा पद सुनाना चाहिए। सवेरे जब आप भगवान के मंदिर में नहा धोकर गए तो भगवान को कोई पद सुनाओ बढ़िया, मतलब जगाओ लोरी से सुनाया है और सुंदर से पद से भगवान को जगाओ। जागो ललना भोर भैया अब जागो ललना भोर भैया अब पंछी जागे रात गई अब जागो ललना भोर भैया अब। तो दरबारी जागो ललना भोर भगवान को जगाओ, हे प्रभु जागो। फिर भगवान जी को बढ़िया से चरण दबाओ। थोड़ी सी बच्चों को जब आप उठाते हैं ना तो थोड़ा हाथ पांव में दबाते हैं तो बच्चों भगवान के चरण दबाओ, फिर उठा करके बिठाओ, फिर जल लाओ। हमने कथा में कई बार बताया थाली लो, थाली में चंदन के द्वारा अष्ट दल बनाओ, उसमें बीच में ओम लिखो, तुलसी इत्यादि से उसे अभिषिक्त करो जल से, फिर ठाकुर जी को बिठाओ गोपाल जी को, और बिठाकर फिर बड़े प्रेम से भगवान जी का जल से दूध से दही से जो आपके पास है उपलब्धता उससे स्नान कराओ। स्नान करा के भगवान को सुंदर से वस्त्र से पहुँचो, फिर उनको वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो, फिर भोग लगाओ भगवान जी, जो आपकी श्रद्धा है 56 भोग लगाओ या मिश्री का भोग लगाओ, भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद ठाकुर जी की सेवा पूजा करने के बाद आरती इत्यादि उतारने के बाद भगवान जी से प्रार्थना करना चाहिए। सब उनका जब श्रृंगार सेवा हो जाए तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हम जैसे भी हैं प्रभु हम आपके हैं, ऐसी प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। ऐसा पूजा का तो देखो भगवान से प्रेम, आप माताएं रसोई बनाती हैं, मैं ये गुलाब जामुन, मैं ये हलवा, मैं ये रोटी, मैं ये साग भगवान के लिए बना रही हूँ, यदि इस भाव से हलवा पूड़ी भी बनाया जाए तो वो भी पूजा ही है, वो भी भक्ति ही है। जो चीज़ भगवान से जुड़ गई, जो समय भगवान से जुड़ गया वो भक्ति के अंदर है, पूजा के अंदर। हम जैसे संकल्प लेते हैं तो संकल्प में मैंने हिमाद्री पढ़ी है, हिमाद्री करते तो हिमाद्री का नियम बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पूजा का नियम पता नहीं है, तो पूजा का नियम तो आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से और शुद्धता के रूप से बताया। संकल्प में हम बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम, जैसे ब्राह्मण आपके घर कथा करवाने आते हैं तो ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम, हम इतना सब कुछ दे करके आते हैं, तब अगर यजमान के मन में भक्ति का प्रादुर्भाव न हो तो क्या वो पूजा सफलदायक होती है, या फिर ब्राह्मण के कथा करके जाने के तुरंत बाद उन्हीं ब्राह्मण की निंदा करने से क्या वो पुण्य फल की प्राप्ति होती है? तो हमारे यहाँ तो दो मतभेद है, मतभेद भी और मनभेद भी है कि हम पूजा तो करवाते हैं पर उसी के बाद तुरंत ब्राह्मण के जाने के बाद नहीं यार ये पंडित जी ने कथा अच्छी नहीं करवाई, तो भक्ति कहाँ है, तो भक्ति कैसे जागृत हो? मेरा सवाल पूजा की भक्ति से, भक्ति कैसे जागृत हो, फिर वापस वहीं आना पड़ेगा। भक्ति को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक दिन के सत्संग से भक्ति ना जागेगी। जब आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने के साथ सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देते, समय पर पानी खाद डालते हैं, और खाद पानी डालने के साथ साथ उसे बकरी से जानवरों से बचाना भी पड़ता है। ऐसे
जब कोई भक्ति की क्लास में प्रवेश करता है, मीन्स सत्संग में आता है, तो कंटिन्यू आपको सत्संग करना होता है और सत दीपक को जलाए रखना है, पेड़ को जीवित रखना है तो पानी डालना पड़ेगा। यदि भक्ति को जिंदा रखना है तो सत्संग का पानी डालते रहना पड़ेगा, बिना पानी डाले भक्ति मर जाएगी। सत्संग डालना पड़ेगा मीन सत्संग का जल। दूसरा, पेड़ पौधों को बकरा बकरी से भी बचाना पड़ता है, तो जो सत्संग के द्वारा आपके अंदर भक्ति का पौधा जो अंकुरित हुआ, जो जरा सा पौधा है भक्ति का, उसे कुसंग की बकरी से भी बचाना है। यदि आप कथा सुन के गए और बाहर किसी कुसंगी के चक्कर में पड़ गए, तो आपकी 3 घंटे की कथा 5 मिनट के कुसंग से समाप्त हो जाएगी। को न कुसंगति पाए नसाही, सत्संगी को जैसे डॉक्टर आपको, किसी को शुगर है, शुगर की बीमारी है, तो डॉक्टर आपको इंसुलिन तो देगा, दवाई तो देगा, पर साथ में ये भी बताएगा कि आपको मीठा नहीं खाना, चाय बिल्कुल नहीं पीना, मिठाई में कुछ भी नहीं लेना, है ना? यदि आपने उस नियम को फॉलो किया, आपने मिठाई का परित्याग किया, मीठे का त्याग किया और समय पर दवाई ले रहे हैं, तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अब आप दवाई भी ले रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं और रसगुल्ले भी खा रहे हैं और जलेबी भी खा रहे हैं, तो कंट्रोल होगा। उसी तरह सत्संग भी कर रहे हैं आप और कुसंग भी कर रहे हैं आप। यदि आप सत्संग भी करते हैं, कुसंग भी करते हैं, तो फिर सत्संग प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि कुसंग है ना। आप कोई गंगा जी में नहाए और फिर वापस जाके नाले में नहा ले, तो गंगा नहाने का लाभ क्या है? या तो नाले में नहाए हो तो अब गंगा में नहा के शुद्ध हो जाओ, फिर वापस मत जाओ नाले की तरफ। सत्संग किए हो तो कुसंग की तरफ मत जाओ। यदि गए आप तो सत्संग, अब देखो ना, कैकई माँ से बड़ी सत्संगी कौन होंगी? उनके तो दूध राम ने पिया है। कैकई माँ का दूध किसने पिया? भरत जी ने कौशल्या माँ का दूध ज्यादा पिया है और राम जी ने माता कैकई का दूध ज्यादा पिया। जिस परमात्मा को गोद में खिलाया, गले से लगाया, लोरी सुनाई, साथ में सुलाया, अपने हाथ से खिलाया, उन कैकई माँ को सत्संग की कमी थी क्या? उनके जैसा सत्संगी कौन होगा जिनकी गोद में जगत का पालनहार खेल रहा, जिसे माँ कहकर जगत का पालनहार बुला रहा हो। लेकिन वो कैकई माँ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई एक जरा से मंथरा के कुसंग से, एक मंथरा के कुसंग से, कुसंग से। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, को ना कुसंगति पाए नसाहें, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ती। इसलिए हमें कुसंग से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? किससे? सत्संग करोगे तो कुसंग से बचना। इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको फिर मीठा नहीं खाना।